आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा माइक यूट्यूबर के लिए बेस्ट बजट माइक हो सकता है जो DSLR मोबाइल या PC के अंदर वॉइस ओवर के लिए सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम माइक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो फन में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है माइक जो मैंने खरीदा है, बायो का माइक है। ये माइक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी यदि प्राइस की बात करें तो अभी ऑफर चल रहा है, वैसे तो ये 2000 के आसपास का माइक है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो ये आपको 800 रुपये के अंदर मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें यहाँ पे एक स्क्रैच कोड भी है, इस स्क्रैच कोड को मैंने स्क्रैच कर लिया। चलिए देखेंगे कि इसकी वेबसाइट पर हमें इसमें क्या मिलता है इस स्क्रैच कोड में। तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है माइक क्लिप आपको मिल जाती है, स्मार्टफोन DSLR कैमकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डिंग PC एक्सेट्रा के लिए इसे यूज किया जा सकता है। हाई क्वालिटी माइक है, नॉइस कैंसिलेशन भी इसके अंदर हमें मिल जाता है। इसके साथ हमें एक बैटरी मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। तो इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। वाओ, इसके अंदर हमें एक जो है ये रेगजिन का लेदर टाइप पाउच मिल जाता है जिसके ऊपर ब्रांडिंग है यहाँ पे बायो की, तो ये एक अच्छी बात है। और इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स में हमें एक ये मिल जाता है वारंटी कार्ड, ये इसका यूजर मैनुअल किस तरीके से हमें इसे यूज करना है। यदि आप चाहें तो यूजर मैनुअल पढ़ सकते हैं, मेरे को इसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इसका पाउच जो है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और एक अच्छा पाउच हमें इसके अंदर मिल जाता है। ये रहा हमारा माइक जिसके साथ हमें जो है काफ़ी लंबी वायर मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लंबी वायर है तो हम इसे काफ़ी डिस्टेंस तक अच्छे ऑडियो क्वालिटी हम इससे कर सकते हैं। और इसके अंदर और क्या क्या मिलता है वो हम थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक बैटरी मिल जाती है इसके अंदर, ये इसका डेड कैट जिसे बोलते हैं वो मिल जाता है, एक हमें पिन मिल जाती है यदि हम इस माइक को किसी और एम्पलीफायर वगैरह में यूज़ करते हैं तो, ये अच्छी बात है। कनेक्टर बड़ा काम का है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो भी एम्पलीफायर है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है डेड कैट है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके अंदर कुछ तो मिसिंग है, इसके साथ मेरे को क्लिप जो है वो नहीं मिली। कोई नहीं, मैं मेरे दूसरे माइक की जो क्लिप है वो इसके साथ यूज करने की कोशिश करूँगा। मैं भी क्लिप का तो काम चला लेंगे हम कैसे भी करके। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर बैटरी कहाँ पे इंसर्ट होगी। इसके अंदर क्लिप है एक, इसके अलावा यहाँ पे हमें इसके अंदर बैटरी यूज़ करनी है। जो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो देख सकते हैं, नेगेटिव ऊपर की साइड, पॉजिटिव नीचे की साइड। तो इसमें बैटरी घुसेड़ देते हैं। तो ये हमने इसमें बैटरी घुसेड़ दी है और ये यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। अब ये स्मार्टफोन मोड के अंदर है और अब ये कैमरा मोड के अंदर है। ये मोड इसके अंदर मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी बात है हमें। तो हमने इसे स्मार्टफोन मोड के अंदर रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं ज़्यादातर इस माइक को यूज़ करने वाला हूँ स्मार्टफोन के साथ, क्योंकि मेरे कैमरा के अंदर माइक जो पिन है वो 2.5 पिन है। तो इसके लिए मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो आप मेरे को, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।